सैम स्टेलोन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम असलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, खैरियत से कैसे है? हैं साहिल भाई आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, अल्लाह का करम है भाई, मैं ठीक। ठीक है। अच्छा सैम स्टेलोन जी, एक मुख्तसर सा अगर आप अपने बारे में बता दें, कहाँ से है और किस मसलक से आपका ताल्लुक है, तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं हैदराबाद से हूँ भाई, मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, बहुत जबरदस्त। और किस मसलक से है? अहले हदीस से आप? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के और सहाबा के मसलक से हूँ भाई। अब ये, अब देखिए, अब ये आप पूछेंगे कि ऐसा आज कहाँ नहीं, बात इंडिया करें? के रूल से, सुनिए सुनिए, नहीं इंडिया नहीं के रूल से, सुनिए सुनिए, मैं आपको जवाब ही हाँ दे रहा हूँ। आप ठीक बोलेंगे है, कि या सुन्नी है या शिया है या दियोबंदी, बरेलवी, तबलीगी, कौन से जमात से है? ठीक है, ये सारे जितने जमात है ना, सब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आप हाथ आप कहाँ कोई भी बांधते एक हैं मसलक नमाज से, में? आप कोई भी एक मसलक से ले लीजिए मुझे, पर मैं अपने आप को मुस्लिम बोलता हूँ, जो कि कलमा ठीक है, पढ़ता हूँ, लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा हाथ इल्लल्लाह व कहाँ अशहदु बांधते अन्ना हैं आप? मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक सिर्फ एक सवाल आपसे, उसके बाद में इस बारे में आपसे सवाल नहीं करूंगा। आप हाथ कहाँ बांधते हैं नमाज नमाज जब पढ़ते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन तरह से नमाज पढ़े थे, तीनों भी जायज है। अगर नहीं नहीं अगर स्कूल ऑफ आप थॉट, कहाँ सुनिए सुनिए यार सुनिए, मैं यार, तीनों जगह मैंने से ये, बनता हूँ जी। हाँ, मैं वही सैम बता रहा हूँ, स्टेलोन देखिए जी, नाभि के ऊपर भी मैंने हाथ बांध आपसे ये सकते। सवाल नहीं किया है, मैंने आपसे ये मैं आपको सवाल वही नहीं जवाब किया दे कि रहा हूँ, हाथ मैं जवाब आप दे रहा कहाँ हूँ भाई। बांधते हैं। हाँ, मेरी जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई, मेरी जवाब दे रहा हूँ। बोलिए मैं जी। नाभि के ऊपर भी हाथ बांधता हूँ, सीने के करीब भी बांधता हूँ और सीने के थोड़ा नीचे भी बांधता हूँ। ये तीनों परमिसेबल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बांधे थे, सहाबा भी यही फॉलो करे थे, हदीसों में आता है। तो छोड़ ये के नहीं सुन्नत पढ़ते में ना आता, कभी आप? ये सुन्नत में हाथ छोड़कर भी पढ़ सकते, ये भी सुन्नत में आता है। आप नहीं छोड़ते हो? नहीं, मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ, मैं बांध के पढ़ता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांध के पढ़े थे। अच्छा चलिए, एक नया फिरका मुझे मिला है सैम सेलोन जी, जो सब जगह पे हाथ बांधते हैं। बड़ा जबरदस्त है यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आसानी हो जाती है हमें जानने के लिए कि कितने सोच के जो मुसलमान है वो हमारे साथ या इस दुनिया में मौजूद है। चलिए अब वो डिस्कशन पे हम नहीं जाते। सैम सेलोन जी जी, आज का टॉपिक आपने सुन लिया होगा, बहुत देर से साहिल जुड़े भाई, हुए हैं। साहिल भाई, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्या आप भी मुझे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना, नहीं क्योंकि मैं पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे सकता हूं, लेकिन उस पे मैं आपको सवाल करने का मौका नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो असल टॉपिक है फिर वो भटक जाएगा। पहले आप असल टॉपिक पे नहीं, डिस्कशन कोई कर बात ले। नहीं, देखिए आप सुनिए सुनिए, आप 5 5 घंटे 4 घंटे लाइव रहते ही है कैसा भी, ठीक है, जी तो बहुत टाइम है आपके पास। नहीं चलिए नहीं इसके ऊपर कुछ देखिए, गुफ्तगू कर लेते मैं हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं नहीं है, करना मैं है। भी कहीं भी नहीं जा देखिए रहा हूँ भाई, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भाई दूंगा इसका भी, सैम कोई सेलोन प्रॉब्लम नहीं है। जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि गुफ्तगू आज का टॉपिक वो है ही नहीं कि मैं क्या हूं मैं क्या नहीं हूं। इस्लाम सच्चा है, ये नहीं आपका दावा है ना? भाई, मुझे भी आपके आपके बारे में जानना जरूरी है मैं ना। आपको सिर्फ अब 2 मिनट दूंगा। अगर आप 2 मिनट में मेरे भाई सैम सेलोन जी अगर असल जी टॉपिक पे नहीं आते हैं तो फिर हम किसी और को मौका देंगे। जी भाई, हंस लीजिए, जिस कोई तरह से, मुश्किल नहीं। थर्टी बिल्कुल मैं नाइन आपको जवाब, बिल्कुल जवाब एक दूंगा मिनट मैं रुकिए, आपको नौ साहिल बज भाई, के मैं बिल्कुल 41 मिनट हुआ है भाई सैम सेलोन जी। देखिए यही मसला होता है कि आपके पास मोहम्मद साहब को सही साबित करने के लिए कोई चीज नहीं होती है जिसके बुनियाद पे आप ठीक इस तरीके की हरकत करते हो। असल है अच्छा, ठीक टॉपिक है, पे तो आ आपकी जाइए, हदीस, मोहम्मद साहब चलिए असल है। हदीस चलिए हदीस पर हदीस पर आते, फिर उसके शुक्रिया, बाद आपके ऊपर आते, ठीक है, चलिए बताइए डन चलेगा ना? जी। पहले मैं हदीस के ऊपर आता हूँ, फिर आपके ऊपर अरे आता हूँ, चलेगा? आ जाइए भाई, हदीस पे आ जाइए। चलिए बोलिए, क्या कहना है मैं इस वही उसके बारे भाई, में भाई साहिल भाई, मैं हदीस पे आता हूँ, फिर उसके बाद आपके ऊपर आता हूँ, भाई? चलेगा ना? आप इस हदीस पे डिस्कशन करिए मेरे भाई, मैं तभी आपका वक्त जो है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर मैं आप हदीस पे आता हूँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, बस कभी मैं ऐसा आप भी सेशन रखिए, कभी ऐसा भी सेशन रखिए आपके, मेरे से सवाल करिए कि मैं ठीक है इस्लाम क्यों छोड़ा और मैं वो एथिस्ट क्यों बना, इसके ऊपर भी ठीक सेशन रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। जरूर जरूर, हम वो किसी दिन हम कोशिश करेंगे वैसा करिए सेशन भी, कोई मुश्किल नहीं। चलिए करिए, अब हदीस पे देखता हूँ आइए। आपकी हिम्मत कितनी है, एथिज्म पे जब बात ठीक है करेंगे ना, इंशाल्लाह मैं रहूंगा उस स्ट्रीम में। आते हैं हदीस के चलिए ऊपर, ठीक है, जी बताइए। आपका हदीस पर ये ऐतराज है कि क्या क्या बोलते हैं आप, स्ट्रेस किस पर दे हाँ रहे हैं कि सीमन के ऊपर स्ट्रेस दे रहे फीमेल हैं का आप? डिस्चार्ज जो है वो येलो कलर का होता है, येलो आपके कलर मोहम्मद का साहब होता ने है। कहा है जी, हाँ, आदमी और का ये सीमन कहते हैं। जो है, जी जवाब दू, ठीक है बिल्कुल दो। आदमी का सीमन व्हाइट कलर का रहता है, और अकॉर्डिंग टू हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि औरत का सीमन जो है वो येलोइश रहता है, येलो कलर का रहता है या जर्द रहता है, ठीक है।
आपको इसके ऊपर एतराज है? आप ये पूछ रहे हैं कि साइंस कहां बोलती है ऐसा, ये मैं सवाल है आपसे आपका? ये पूछ रहा हूं कि मोहम्मद साहब की बात जो है ये कि औरतों को येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, ये सही है या गलत है? सही हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, सही है। आपको साइंस से, है। साइंस से प्रूफ चाहिए क्या, वो पूछ रहा हूँ। हाँ, साइंस से प्रूफ जरा बता दो, क्योंकि हमारी नॉलेज के हिसाब से, और एक अभी मेडिकल स्टूडेंट जुड़े हुए थे, उन्होंने अच्छा अच्छा कहा अच्छा है जब तक इन्फेक्शन किसी तरीका से ना अच्छा हो अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा नॉर्मली जो है वो जो डिस्चार्ज है वो या तो ट्रांसपेरेंट यानी वॉटरी अच्छा कलर अच्छा अच्छा या फिर व्हाइटिश कलर का होगा। जी अच्छा अच्छा बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है। आपको आपको क्या इसके बारे में नॉलेज है? जब आप लाइव स्ट्रीम करने वाले थे, क्या अरे आपको इसके बारे में हजरत, नॉलेज आप थी? देखिए यही मसला हो जाता है, आप मैं इसको जवाब दूंगा येलो आपको। जो है वो मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे नॉलेज में, वेरी आप मेरे गुड, इल्म में इजाफा कर वेरी दीजिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बोली। आपको नॉलेज नहीं थी इसकी, इंशाल्लाह मैं आपको नॉलेज दूंगा इसकी, ठीक है। जी चलिए दीजिए। मेडिकल डॉक्टर एक है, डॉक्टर वेलिंड्रा, वेलिंड्रा जो कि एक सर्टिफाइड सर्जन फिजिशियन स्पेशलाइज्ड इन एब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट है वो, एंड शी इज ठीक है हैविंग ओवर ओवर 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक ठीक है। है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिकल, MD उन्होंने, कोलम्बिया ओके यूनिवर्सिटी, MPH, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, BA। ठीक है ठीक सर्टिफिकेशन उनके अमेरिकन बोर्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट, राइट, है गायनोकोलॉजिस्ट है। ठीक इट्स ऑल अबाउट द वेगिनल इश्यूज, करेक्ट। है ठीक है। वेगिनल क्या तो होता है? उन्होंने जी क्या बोले, वेगिनल क्या होता है ये? वेगिनल इश्यूज, जो भी इश्यूज वेगिनल, वेगिना से रिलेटेड है वो वेगिना, गायनोकोलॉजिस्ट देखता है। हाँ, वेगिना, वजाइना बोल वजाइना, दीजिए, वेगिना बोल वजाइना। दीजिए, इसके ट्रांस, हाँ, इसके एक्सेंट्स बहुत है। अच्छा, वेगिना भी एक एक्सेंट है क्या? ये पहली बार पता चला हाँ है मुझे। नहीं हाँ जैसे कि देखिए, वाइटामिन होता है, विटामिन होता है, नहीं राइट। वो एक अलग है, तो वाइटामिन विटामिन ऐसे नहीं, बहुत एक्सेंट्स हैं, नहीं एक्सेंट्स नहीं बहुत एक ऐसे हैं। मिनट भाई, कौन से चलिए आ जाइए, एक्सेंट में? नहीं नहीं चलिए आ रुकिए जाइए, आ रुकिए, जाइए, आ जाइए, आ अरे जाइए इसके ऊपर, ना ठीक ना ना, है। ये ऐसा नहीं चलता है भाई, ये नहीं चलता अच्छा है। अच्छा हाँ, मैं लाइन टू इसके ऊपर लाइन ही बोल चलते रहा हैं। हूँ ना, मैं आपको मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू कि कर रहा हूँ, मैं कौन बोल रहा से, हूँ आ जाइए आगे। चलिए, मैं हाँ वेगिना ये बोला हूँ, वर्जाइना बोला हूँ, जो भी बोला हूँ, आप ना, समझ रुक गए ना। जाओ थोड़ा। नहीं, समझने की बात नहीं है। आप अच्छा अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं है, आपको वो नहीं है, ठीक है? नहीं, तो आप मैंने खुद बोले कभी नहीं वो, कहा, सुने, नहीं अरे आप खुद सुनो, बोले अरे भाई, सुनो आप मेरे खुद बोले फ्रेंड, कि मुझे नॉलेज अरे नहीं थी इसके बारे में, सबरो आप बोले मैंने नहीं बोला। इन्नल्लाहा मा साबिरीन। भाई थोड़ा अरे सबर भाई, रखो, मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला बात कर। वो नहीं, भाई, आपने मुझसे पूछा ना यू कि आर आपको पुटिंग, नॉलेज यू आर नहीं है पुटिंग योर क्या? ओन वर्ड्स इन माई माउथ, आई डिड नॉट से दैट। यू सेड आपने दैट क्या आई डोंट पूछा? हैव ठीक, एनी नॉलेज अबाउट द येलो येलो मेंस्ट्रुएशन, और जो वो भी भी है है ना, डिस्चार्ज ठीक बोल सकते हैं आप। है, आप बोले मैंने आपको नहीं नॉलेज, बोला। भाई आपको नॉलेज है ना, अब मुझे ये हाँ, तो बताइए कंटिन्यू करने दो ना आपने, भाई। नहीं ये तो मसला है ना, आप कंटिन्यू करो, लेकिन जो बोलते हो उसका प्रूफ दो और उसके बाद कंटिन्यू करो। अच्छा आपने ठीक है, चलिए, कहा क्या क्या प्रूफ चाहिए? वेगाइनल, क्या बोला आपने? वेगिनल, अच्छा ये चलिए, आई कौन टेक माय से वर्ड, एक्सेंट पे? आई हाय टेक माय वर्ड बैक, आई टेक माय हाय वर्ड बैक, हाय इट्स वजाइना, ठीक है, बहुत एक्सेंट है, छोड़ दीजिए, लेट्स हाय कंटिन्यू, कंटिन्यू यार, इसके करें। लिए कहते हैं ना कि ज्यादा, भाई सैम सेलोन भाई, इसके लिए जी कभी जी भी है ना, ओवर स्मार्ट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इंसान को। अरे नहीं भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, ओवर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं वजाइना आपको नहीं वही बता मालूम रहा है, हूँ, जैसा आप यूट्यूब पर आकर बोल रहे हैं ना, एक इसको मिनट, बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हम ये हेल्थ लाइन की वेबसाइट है, बड़ी पुरानी और बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इसका ये आर्टिकल है healthline.com। अच्छा, लेकिन एडम, मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको डिस्कशन करने का, एंड ऑल गोज टू नहीं, यू, नो डिस्कशन आप ही इश्यूज। करेंगे, मैं तो सर सिर्फ हाँ जरा इंफॉर्मेशन जो आप मेडिकल ठीक, डॉक्टर्स से पूछना चाह रहे हैं, मैंने कहा वो बिल्कुल healthline.com से दे देते हैं इन सबको। ठीक है, दे देंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं लोगों को कि देखिए क्या हाल होता है जो ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, जिसको वजाइना और वैगिना ये नहीं पता, और उसको अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो झूठ बोले कि डिफरेंट एक्सेंट में होता है। मैंने कहा कि ठीक है, कौन से एक्सेंट में वैगिना कहते हैं वो बता दे, तो अब वो बोल रहे कि मैं अपनी बात को वापिस लेता हूं। ठीक है, आप ले लो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप यार कम से कम जो गलत बोले उसको डिफेंड करने की कोशिश मत करो ना, ये कह के डिफरेंट एक्सेंट में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रीम में कोई और भी एक डॉक्टर है दज्जाल करके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं दज्जाल जी तो आप प्लीज जुड़ जाइए। ठीक है, सैम सेलोन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप आगे की बात रखिए अपनी, कि आपने कोई जो डॉक्टर का हवाला दिया था उसके बारे में आप क्या कह रहे थे बताइए, फिर हमारे साथ डॉक्टर अमरेश तिवारी जी भी है। ठीक है, यस सैम सेलोन जी, आप हाँ किसी का भाई, हवाला दे रहे थे?
जी यू हैव वेस्टेड मोर देन 5 मिनट्स ब्रदर, सॉरी टू से दैट. इट्स ओके, ठीक है, कंटिन्यू करिए. आप okay. जिसका हवाला दे रहे थे, आई अंडरस्टैंड दैट हिपोक्रेसी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल मूव ऑन. नो इश्यूज, ठीक, आई एम हिपोक्रेट, ओके, नो. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दैट ब्रदर, आई अप्रिशिएट दैट. थैंक्स अ लॉट सर, आई अप्रिशिएट यू बीइंग ऑनेस्ट ऑन द ऑन लाइव स्ट्रीम्स. ओके सर, आगे बताइए. नो प्रॉब्लम. तो वही मेडिकल डॉक्टर जो है, जो गायनोकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोलते हैं there are many reasons for yellow discharge before a period, most of nothing to worry about it, but some can suggest an infection and possible signals, early signs of pregnancy. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने और बताते हैं. जी हाँ, और बताते हैं कि the thin water, देखे आपने जो डॉक्टर की इतने बड़े नाम सारा कुछ दिए, उसने पहले सेंटेंस में क्या बोला, दोबारा रीड कीजिएगा और इसकी हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा सबको. साहिल भाई, आई वांट टू स्पीक टू यू, आई कांट टॉक टू मल्टीपल पीपल. नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू टॉक टू मी. आपने ये जो सेंटेंस बोला है, ये दोबारा से बोल के जरा ट्रांसलेट कर दे हिंदी में, ताकि हमारे जो साहिल भाई व्यूअर्स हैं, ये साहिल भाई भी पूछ सकते हैं मुझसे, ये साहिल भाई भी पूछ सकते हैं. इफ यू डू नॉट नो इंग्लिश देन यू डोंट नीड टू डिस्कस ऑन दिस क्रिटिकल सब्जेक्ट्स. जब आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, यू नीड टू लर्न लिटिल इंग्लिश, बिकॉज़ यू नीड टू गो टू स्कूल और कॉलेज. When you learn something about the biology, you need to learn in English. Okay, no issues. Vagina, ठीक है. साहिल जरा इसकी हिंदी ले जरा सबसे सबके लिए. ठीक है. हाँ चलो, चलिए सैम जी आप बताइए, आपने जो स्टेटमेंट कहा था उनका, एक बार फिर से रिपीट करिए और उसको हिंदी में बोलिए. आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या भाई? यार मुझे आ जाएगी तो दर्शकों को थोड़ी ना, जो व्यूअर्स है आपके, कई सारे मुस्लिम भाई देखते होंगे, उनको थोड़ी ना समझ में आई होगी. ऐसे कोई नॉन हिंदू भी है, नॉन हिंदी बोलने वाले है, जिसको इंग्लिश समझ में आती है, दूसरी लैंग्वेज आती है, उनके लिए भी आप ट्रांसलेशन करते हैं क्या कभी? अरे यार, भाई जिसमें चल रहा है, मैं जिसको आपको, जिसमें से आपको मैं सैम जी, जिसमें से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनने को तैयार नहीं है. आप बाल की खाल खींच रहे हैं. मैं आपको जवाब सुन लो, फिर उसके बाद सवाल करो मेरा. अरे सुन लो पहले, जवाब सुन लो, आप बात बताएं प्लीज, इंग्लिश में बताएं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, प्लीज करें बात. बताओ, हाँ फिर से बताओ भाई. आई डोंट वांट एनीबॉडी टू इंटरप्ट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू साहिल ब्रदर, प्लीज. ठीक है, हैव सम डेकोरम रिस्पेक्ट प्लीज. ओके सर, एक्सेप्टेड. बताइए अभी क्या बता रहे थे, फिर से बताइए. हाँ तो देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि देयर आर मेनी रीजंस फॉर येलो डिस्चार्ज बिफोर अ पीरियड, मोस्ट आर नथिंग टू वरी अबाउट. क्या बोल रहे हैं? मोस्ट आर नथिंग टू वरी अबाउट. ये एक्सेप्शनल केस के बारे में बात हो रही है या फिर नॉर्मल बात हो रही है कि ठीक है, नॉर्मल जो है वो सबका जो है वो येलो ही होता है? पूरा सुन लो, पूरा सुन लो भाई, पूरा सुन लो भाई, पूरा सुन लो. आप नोट कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, नोट कर लो, फिर सवाल करिए. ठीक है, ठीक है. ऐसा अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो वी कैन नॉट कंटिन्यू. ना आपको समझ में आएगा, ना जनता को समझ में आएगा, ना व्यूअर्स को समझ में आएगा. 2 मिनट दो, आपको 2 मिनट दीजिए आप. ठीक है, बोलिए. फिर से मैं रिपीट करता हूँ. देयर आर मेनी रीजंस फॉर येलो डिस्चार्ज बिफोर अ पीरियड, most are nothing to worry about, but some can suggest an infection and possible signals, early signs of pregnancy. आगे बोलते हैं ये, thin watery yellow discharge is a typically nothing to worry about. क्या बोल रहे हैं? Thin watery white yellow discharge. Yellow discharge is typically nothing to worry about. It usually indicate that someone is nearing menstruation and is about to start the period. तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. बोल रहे हैं यहाँ पर वाटरी डिस्चार्ज येलो कलर का रहता है कॉमनली. ठीक है, अच्छा ये थिक येलो डिस्चार्ज विदाउट, पूरा सुन लो, द थिक येलो डिस्चार्ज विदाउट अ स्मेल कैन बी अ सिग्नल ऑफ दैट पीरियड इज कमिंग टू बी अर्लियर इन द साइन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर ये येलो डिस्चार्ज में स्मेल आती है, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक इन्फेक्शन हो सकता है, कंसल्ट टू अ डॉक्टर. राइट, क्लियर हो गया? हाँ. पहले क्या बोले डॉक्टर? थिन वाटरी डिस्चार्ज, थिन वाटरी डिस्चार्ज इज अ टिपिकली नथिंग टू वरी अबाउट. दूसरी में बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, वेबसाइट से ले रहा है, ये वेबसाइट से ले रहा है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये असल में एबनॉर्मैलिटीज ही डिफाइन हो रही है यहाँ पे. और एबनॉर्मैलिटीज इसलिए मैंने वेबसाइट सामने खोल दी हुई है, एक और वेबसाइट है वो भी यहीं से ले रहा है. देखे नहीं, मैं वहां से नहीं लिया हूँ. अच्छा ना ले वहां से, प्लीज ब्रदर, प्लीज ब्रदर, अगेन यू आर इंटरप्टिंग.
again, yeah, I like to interrupt now. This the is, one who actually keeps on jabbling, jab, 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 jab. I interrupt them. मैंने mute कर दिया उनको. ठीक है, आप अपनी बात. Problem ये है सर, देखें. Hmm. I wanted everyone to listen in Hindi because the problem is that he's speaking English and this is in Hindi live stream and everyone understands Hindi, not English. And that's why I said translate it. So let me translate it for him because he thinks he's very genius over here and nobody else can speak English. So let me move back to Hindi now so that everyone can comprehend what he just said. Yeh keh raha hai ke yellow discharge itna bada problem nahi hai. لیکن وہ بسا اوقات ہو سکتا ہے اگر میسچوریشن سائیکل کے قریب ہو, یعنی کہ پیریڈز کے قریب ہو یا پریگننسی کی کچھ علامات میں سے بھی ہے, لیکن یلو ڈسچارج نارمل نہیں ہے. جو نارمل ڈسچارج ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ واٹری کلر کا ہی ہوتا ہے, یہی ابھی اس نے پڑھا ہے. اب یہ چونکہ زیادہ بڑے انگریزی والے ہیں, یہ اگر اسے اچھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو کر دیں. لنک جو ہے نا آپ کے پاس, یہ اتنے زیادہ گوگل پہ پڑے ہوئے جس کی انتہا نہیں. آپ سمپل آپ کو سرچ کرنا ہے کین ا گرل ہیو یلو ڈسچارج, یہ آپ سرچ کریں, آپ کے پاس 3600 لنک آ جائیں گے. ایڈم جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایشو کیا ہے یہاں پہ میں وہ نہیں سمجھ آیا ابھی تک. سر نارمل ڈسچارج یلو نہیں نا ہوتا, یہی بتا رہے ہیں, بتا یہ رہے ہیں کہ نارمل ڈسچارج. ہاں بتا یہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ون کہ یا تو وہ سٹین کرتا ہے اس کے پیڈز کو, یا اریٹیٹ کرے گا, یا سمیل کرے گا. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ نارمل نہیں ہے. جو نارمل ہے وہ ایک تو سٹین نہیں کرتا, سمیل نہیں کرتا, اور اریٹیشن نہیں ہوتی, اور واٹری ہوگا بالکل. تو یلو از پرابلمیٹک موسٹ آف دا ٹائم. اچھا ڈاکٹر ارمانی از اے گائنیکولوجسٹ, اوکے. ارے وہ چلے گئے کیا؟ میں ڈاکٹر ارمانی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر نارمل ڈسچارج ہوگا تو وہ سامنے والا وہ ڈرے گا کیوں؟ کیونکہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے بتایا اس میں ایسا لکھا ہے کہ یو دیر از نو نیڈ ٹو وری آن دیٹ. ڈاکٹر ارمانی دیکھیں جی, ڈسچارج تھوڑا بہت ہر ایک لڑکی میں لیڈیز میں ویری کر سکتا ہے, لیکن یلو اس ڈسچارج جو کپڑوں کو سٹین کرے یا پیڈ کو, وہ نارمل نہیں ہوتا. نارمل ڈسچارج کلیئر واٹری ہی ہوتا ہے. اگر آپ یلو کو نارمل کہیں گے تو وہ غلط ہے. اب پروفٹ محمد کو کسی بیوی کا یلو ڈسچارج تھا تو اس نے اس کو بتایا ہوگا پروفٹ محمد کو, جی یہ نارمل ہے نارمل ہے, تو انہوں نے نارمل کہہ دیا, اس کو انفیکشن ہوئی ہوگی. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟